ये देखो मेरा कमाल। चलो इमली, अब तुम चला के दिखाओ। ओहो वीर, दूर जाकर खेलो, देख नहीं रहे? हमने नई कार ली है, नई, और तुम धूल उड़ाकर हमारी कार गंदी कर रहे हो। क्या हो रहा है? मेरी कार! अंकल ये तो शूटिंग स्टार्स हैं। लगता है कोई मीटर टूट के गिर रहे हैं। जल्दी घर चलिए, यहाँ तो चोट लगने का खतरा है। रोबो बॉय, तुम कहाँ हो? हमें इस मीटर से बचाओ। शूटिंग स्टार्स जब रात को दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वही स्टार्स मीटियोर्स के रूप में धरती पे गिरते हैं तो बहुत बर्बादी कर सकते हैं। अभी अभी फुर्सतगंज और आसपास के इलाकों में मीटियोर शावर हुई है। एक बड़ा मीटियोर आसमान से गिरने वाला है। अभी सिर्फ उसके कुछ हिस्से टूट के गिर रहे हैं। अगर उसे धरती की एयर स्पेस के अंदर घुसने से पहले बर्बाद नहीं किया गया तो फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट उस मीटियोर को तोड़ने के लिए मिसाइल फायर कर रहा है। उम्मीद है वो मीटियोर टूट के बिखर जाएगा और फुर्सतगंज को खतरा नहीं होगा। मिसाइल का अभी भी कुछ असर नहीं हुआ है। अब तो ऊपर वाला ही फुर्सतगंज को बचा सकता है। वीर, अब तुम्हें ही जाना होगा। आओ मेरे साथ। और हाँ वीर, 100 मीटर डिग करने के लिए ड्रिलिंग सूट पहन लेना। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। ऑल द बेस्ट वीर। वो देखो, रोबो बॉय जा रहा है। Drilling suit on. दादाजी, मैंने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं वीर। वीर पीछे देखो, कोई एलियन है। वीर पीछे और एलियन है। वीर टाइम कम है, डिगिंग करते रहो। दादाजी मेरी बैटरी लो हो रही है। इतनी जल्दी जल्दी में आया कि दूसरी बैटरी लेना भूल गया। जल्दी चलिए दादाजी, वीर को मदद की जरूरत है। मैं इनविजिबल स्पेसशिप में जाता हूँ, तुम यहीं रुको, वहाँ बहुत खतरा है। इनविजिबल स्पेसशिप? हाँ, इसे कोई और नहीं देख पाएगा। ये अपने बैकग्राउंड में सब मर्ज हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि लोग देखें कि मैं रोबो बॉय की मदद करने गया था।
दादाजी जल्दी चलिए। इमली तुम भी आ गई, तुम बहुत जिद्दी हो। इमली सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, मैं उन एलियंस का ध्यान अपनी तरफ बटाता हूँ, वो मेरे पीछे आएंगे और तुम वीर को ये बैटरी लगा देना। दादाजी आप तेजी से भाग नहीं सकते, मैं एलियंस का ध्यान बटाती हूँ, आप वीर को बैटरी लगाओ। जी इमली को लेकर स्पेसशिप में बैठिए, मैं अभी आया। सिर्फ 3 मिनट बाकी है वीर। ओके दादाजी। दादाजी आप अपने स्पेसशिप में बैठ के चले जाइए, मैं आता हूँ। नहीं हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इमली ये बहस का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, अगर रोबो बॉय ने मीटियोर को ब्लास्ट नहीं किया तो फुर्सत गंज के साथ साथ और कई शहर भी बर्बाद हो जाएंगे। ओफो ये वापस आ गए। रोबो बॉय जैसे रक्षक के होते हुए हमारे फुर्सत गंज को कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू रोबो बॉय। वीर मैंने अपने रडार में ये नोटिस किया है कि आजकल स्पेस में कुछ ज्यादा ही हरकतें हो रही हैं। हमें सावधान रहना होगा। आप टेंशन मत लीजिए दादाजी। दादाजी वीर जैसे रक्षक की होते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें वीर पर पूरा भरोसा है। थैंक यू इमली। पेड्रो आपके ऑर्डर के हिसाब से मैंने दुनिया के 2 बेस्ट साइंटिस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। डरिए मत। कौन हो तुम? सब पता चल जाएगा। किंग पेड्रो। यस लीजा। आपके मेहमान आ गए हैं। ये है प्रोफेसर प्रेम सहाय और ये है मैड मैक्स, दोनों ही अर्थ के ग्रेट साइंटिस्ट हैं। ये आपके मकसद के लिए एकदम फिट है। वेलकम टू माय विनिंग वर्ल्ड मिस्टर प्रेम सहाय। मिस्टर मैड मैक्स आपको यहाँ लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप मेरा साथ दो। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश करके एक नया ब्रह्मांड बनाना चाहता हूँ। मतलब आप नया ब्रह्मांड बना के उस पे राज करना चाहते हैं। ग्रेट, आई एम विद यू पेड्रो, मैं आपके साथ हूँ। पेड्रो लाइक इट। लीजा, मैड मैक्स और इनके साथी को हमारे मेहमान खाने में ले जाओ। यस पेड्रो, चलिए मेरे साथ। तुम भी हाथ मिला लो प्रेम। सही पेड्रो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पेड्रो डोंट लाइक इट। सोचना जरूर। दादाजी अब यहाँ से हम कैसे वापस जाएंगे? तुम अपने एक्सरे विजन से देखो। एक्सरे विजन ऑन। दादाजी मिल गया सुराग, मैं वहाँ जाता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। यहाँ की टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अलग है। पेड्रो उस प्रेम सहाय का क्या करें?
ये कहां फंस गए हम? सच में पेड्रो की ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। इस मॉड बॉय को सबक सिखाना होगा। बॉय पेड्रो परेशान तो ले लेता है जान। लीजा रोबो बॉय, अब 30 मिनट तुम्हारे पास है, बच सको तो बच लो। क्रीचर से निपटना होगा। उससे मैं निपटता हूँ दादाजी, तब तक आप देखिए कोई और इमरजेंसी एग्जिट यहाँ हो तो। वो देखो इमरजेंसी एग्जिट और स्पेसशिप भी। आप जाइए, मैं पेड्रो को देखता हूँ। ये वीर बड़ा रक्षक बना फिरता है, उसके कारण मेरे हाथ से इतना बड़ा मौका निकल गया। बॉस, अभी ये सब छोड़ो और पहले यहाँ से भागो, वीर को बाद में देख लेना। टिम्बकटू, तुमने पहली बार कोई अकलमंदी की बात की है। वीर, आखिर एक बार फिर तुमने तबाही को पीछे छोड़ दिया।
यही तो आपसे सीखा है दादाजी कि अच्छाई को आगे लाओ और बुराई को पीछे छोड़ दो। तुम सही मायने में एक रक्षक हो। क्या हुआ बॉस? आप बहुत सैड लग रहे हैं। मोना, मैड मैक्स इज सैड, वेरी वेरी सैड। पेड्रो के साथ मिलकर मेरा पूरे ब्रह्मांड पे हुकूमत करने का सपना आसानी से पूरा हो सकता था, लेकिन वे और डॉक्टर प्रेम सहाय ने मिलकर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसकी कीमत उनको जरूर चुकानी पड़ेगी। You are right, boss. You are right. वीर जिस फुर्सतगंज का रक्षक बना फिरता है, अब मैं उस फुर्सतगंज को ही खत्म कर दूंगा। पूरे फुर्सतगंज को? वो कैसे बॉस? टिम्बकटू, ये है मैन फ्रीजिंग डिवाइस। इनके फटने से आसपास के सब लोग फ्रीज हो जाएंगे। इनके टाइमर में हर 10-10 मिनट के बाद फटने का टाइम सेट कर दो, समझे? समझ गया बॉस, समझ गया। अभी अभी फुर्सतगंज में एक अजीब डिवाइस फटी है जिससे आसपास के कुछ जानवर फ्रीज हो गए हैं। शुक्र है वहां पर कोई इंसान नहीं था। जिसने ये काम किया है उसने ये मैसेज भेजा है। डॉक्टर प्रेम, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, वो मुझे दे दो वरना हर 10 मिनट बाद एक डिवाइस एक्टिवेट होगी और फुर्सतगंज फ्रीज हो जाएगा। तुम मेरे आदमी को पहचानते हो, वो मार्केट में ही घूम रहा है, उसे मेरी चीज दे दो डॉक्टर प्रेम। बाय बाय। ये तो मैड मैक्स है वीर, हमें वो मैन फ्रीजिंग डिवाइस ढूंढने होंगे इससे पहले कि वो फट जाएं। इतनी जल्दी सब डिवाइस कैसे ढूंढेंगे दादाजी? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उन्हें डिटेक्ट करने की एक डिवाइस देता हूँ, बाकी तुम जानते हो क्या करना है। मैं भी कुछ दिनों के लिए गांव होके आ जाता हूँ, कई दिनों से गया भी नहीं हूँ। अरे इमली, जल्दी चलो सामान पैक करो, हम गांव जा रहे हैं। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। वो रहे मैन फ्रीजिंग डिवाइसेस। अब देखता हूँ कौन सी डिवाइस पहले एक्टिवेट होगी। हेलो दादाजी, मैं उन डिवाइसेस की पोजीशन आपको रिले कर रहा हूँ। मीनार वाली डिवाइस 3 मिनट में फट जाएगी, मैं उसे डिफ्यूज करता हूँ। बाकी आप पुलिस को खबर कर दीजिए, वो अपना काम करेंगे। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ। वेरी गुड वीर, मैं पुलिस को कॉल करके बाकी डिवाइसेस की लोकेशन बता देता हूँ। तुम मीनार वाली डिवाइस डिफ्यूज करो जल्दी, टाइम कम है। ओके। अंकल प्लीज एक मिनट लिए डिवाइस पकड़ लेंगे। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। रोबो बॉय, 10 सेकंड रह गए हैं। 2, 3 सेकंड। दो। दादाजी एक डिवाइस तो खत्म हो गई। मैंने पुलिस को फोन पे सब डिवाइसेस की लोकेशन की खबर कर दी थी। पूरे पुलिस फोर्स ने मिलकर एक साथ सारे डिवाइसेस ढूंढकर डिफ्यूज कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ रेलवे स्टेशन वाली डिवाइस उन्हें नहीं मिली। मैं अभी चेक करता हूँ। I am mad, very, very mad. पुलिस को सब डिवाइसेस एक साथ कैसे मिल गए?
अरे दादाजी, ये डिवाइस तो मूव कर रही है। दादाजी, मैन फ्रीजिंग डिवाइस रेलवे स्टेशन में नहीं थी, डिवाइस ट्रेन में थी जो वहाँ खड़ी थी, और अब ट्रेन चल रही है। दादाजी, ये ट्रेन तो राजपुर जा रही है। इमली के पापा गांव जाने की बात कर रहे थे, शायद वो भी इसमें हो। मैं अभी जाके वो डिवाइस ढूंढता हूँ। वीर, संभल के। में डिवाइस फट जाएगी और सब लोग फ्रीज हो जाएंगे। इसने मुझे मैग्नेटिक रेस से जकड़ा हुआ है क्योंकि मैं मेटल का बना हूँ। इसका इलाज है मेरे पास। एंटी मैग्नेटिक रेस ऑन। एंटी मैग्नेटिक रेस ऑन। जल्दी बैटरी चार्ज नहीं की तो ट्रेन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रोबो बॉय, जल्दी करो, बैटरी लो हो रही है, पावर खत्म हो रही है। मेरा हाथ पकड़ो, तुम कोच में बैटरी चार्ज कर सकते हो। वेलकम रोबो बॉय। ओके, बाय बाय, सी यू। सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। मैन फ्रीजिंग डिवाइस तुम्हारे पीठ पे। थैंक यू रोबो बॉय, हमारी रक्षा करने के लिए थैंक यू। बॉस बॉस, वीर तो सच में फुर्सतगंज का रक्षक है। बॉस, उसने हमारे फ्रीजिंग डिवाइस से भी फुर्सतगंज को बचा लिया। जब कराते मक्तूर, वीर कोई रक्षक नहीं, सिर्फ एक मामूली रोबोट है जो मैड मैक्स के पावर्स के आगे कुछ भी नहीं। अब देखता हूँ वीर अपनी रक्षा कैसे करता है। What is the plan, boss? बताता, लेकिन टिम्बक्टू, पहले इस मक्खी को यहाँ से हटाओ। बॉस, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस सब का सवाल है, एक मक्खी नहीं मार पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हिलना मत बॉस, हिलना मत। बस करो, रुक जाओ, बस करो टिम्बक्टू, रुक जाओ। जब एक मक्खी इतना परेशान कर सकती है तो बहुत सारी मक्खियां कितने तबाही मचा सकती हैं। मैं इसी बात पे रिसर्च कर रहा था। ये देखो, ये मक्खी वीर को कैसे मसल के रख देगी और वीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। We'll be right back.
टिम्बकटू, जाओ और फुर्सतगंज में तबाही मचा दो। म्याऊ, you're a genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. Yeah. दादाजी कहते हैं हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारियों से बच सके। लोग गार्डन में घूमने आते हैं और सब कचरा यहीं फेंक देते हैं। चलो गार्डन की अच्छी सफाई करते हैं। साफ होने के बाद पार्क कितना सुंदर लगने लगा है वीर। फुर्सतगंज वालों, मेरी मक्खियों से बचने के लिए तैयार हो जाओ। इमली, वो देखो इतनी बड़ी जायंट मक्खी और उसमें टिम्बकटू बैठा है। तुम लोग जाके दादाजी को बताओ, मैं तब तक इनको देखता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वो देखो, ब्रिज टूट गया है और स्कूल बस अब नदी में गिरने वाली है। अब बताओ क्या करोगे वीर? वीर, मजा आ रहा है। वीर, तुम ठीक हो ना? दादाजी, ये मैड मैक्स की बनाई हुई रोबोट मक्खियाँ हैं। आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। वीर, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी, ये बहुत ज्यादा हैं। मैं इनके लिए कोई हथियार तैयार करके तुम्हें फोन करता हूँ, तब तक तुम इन्हें संभालो। ओके दादाजी। भागो भागो वीर, भागो। जब थक जाओ तब रुक जाना, मैं तुम्हें मैड मैक्स के पास ले जाऊंगा। ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। वीर, तुम उनसे तो बच गए लेकिन जायंट बी से नहीं बचोगे। वीर, खेल खत्म, पैसा हजम। इजेक्ट स्मोक। इजेक्ट स्मोक। वीर, तुम उस जाइंट रोबोट मक्खी को लेकर घर की छत पर आ जाओ। मैंने एक जाइंट रैकेट तैयार किया है, उसके घर की छत पर फिक्स किया है। तुम उसके बीच से उड़कर निकल जाना। जैसे ही तुम निकलोगे मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर्स को ऑन कर दूंगा। मधुमक्खियाँ उसे टच करते ही जल के खत्म हो जाएंगी। ओके दादाजी। दादाजी, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मैं शायद आप तक नहीं पहुंच सकूं। मैं घर से बहुत दूर हूं। तुम कर सकते हो, स्पीड बढ़ाओ और आ जाओ छत पे भी। बैटरी ओवर इन 10 सेकेंड्स। 10
तुम किसी काम के नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। बॉस, आपको मेरी काबिलियत पे शक है बॉस? टिम्बक्टू इज सैड, वेरी वेरी सैड। ये तो आपका डायलॉग बोल रहा है। जनाब टिम्बक्टू। बॉस, आप मुझे बस एक मौका दीजिए। इस बार मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जिससे वीर ना खुद की रक्षा कर पाएगा ना ही फुर्सतगंज की। मैं अभी आया बॉस। टिम्बक्टू, तुम ये किसे लेकर आ गए? बॉस बॉस, ये अम्ब्रेला मैन है। यहाँ बरसात तो हो नहीं रही, ले जाओ इसे। मुझे कोई छाता नहीं खरीदना। तपती धूप बरसता पानी, सबकी कर दो खत्म कहानी। क्योंकि मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। मैन बॉस, फायर करो और मुझे हिट करके दिखा। मेरा नाम मैड मैक्स है। तुम्हारे छाते मेरी लेजर बीम्स को रोक नहीं सकते। कैसे हो मैड बॉस? अब समझ में आया, मैं छातों का सौदागर नहीं, मैं छातों का सरदार हूँ। तुम बहुत काम के आदमी हो, जाओ उस फुर्सतगंज के रक्षक वीर को पकड़ के ले आओ। जो मांगोगे मिलेगा। जाओ। ओए बंटी की मम्मी, बंटी बाहर आओ। ओए देखो कितनी बरसात हो रही है। आओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई आ जाओ। अरे भाई साहब, ये छाता कितने का है? ये सब छाते फ्री हैं। जिसे लेना है फ्री में ले जाओ। मुफ्त मुफ्त, एकदम मुफ्त। एक फ्री छाते पर दूसरा छाता फ्री। पापा पापा, वो फ्री छाता दे रहे हैं, चलो ले लेते हैं। ये तो बढ़िया है, मेरा वाला बड़ा बढ़िया है, काफी बड़ा है। बचाओ, बचाओ, कहा ना, मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। मैं हूँ अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। मैं हूँ अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। रोबो बॉय, रोबो बॉय, हेल्प। और चिल्लाओ, वो आएगा, जरूर आएगा। रोबो बॉय सूट ऑन, रोबो बॉय सूट ऑन। कौन हो तुम? छोड़ दो इन्हें। रोबो बॉय, नाइस मीटिंग यू। तपती धूप बरसता पानी, सबकी कर दो खत्म कहानी। क्योंकि मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। तुम्हें रोबो बॉय चाहिए? मैं आ गया हूँ। इनको छोड़ दो और हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। इनसे लड़ने के लिए इन्हें दूर ले जाना होगा, वरना औरों को लेजर बीम्स लग सकती हैं।
मेरे सिपाहियों, रोबो बॉय को पकड़ लो, खेल लो उसे। रोबो बॉय, तुम्हारे अंत की शुरुआत है। Let's go home, boys! मैं छातों का सौदागर नहीं, छातों का सरदार हूँ। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। नहीं, नहीं, मेरे छाते, मेरे छाते! इतनी मेहनत से बनाए थे ये छाते, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। एक्स्ट्रा पावर ऑन। एक्स्ट्रा पावर ऑन। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तुम मेरे जाल में फंस गए हो, रोबो बॉय। चलो चलो, मैड मैक्स के पास चलते हैं। चलो। ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। हेलो। नहीं, तुमने मेरे छाते में छेद कर दिया। आई विल नॉट लीव यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अम्ब्रेला मैन। नहीं, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। बस, जमीन आ गई, जमीन आ गई। प्लीज, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अब वो अम्ब्रेला मैन वाला गाना गाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन। थैंक यू रोबो बॉय, तुम सच में एक रक्षक हो। ये टिम्बकटू कहाँ चला गया? बॉस, लगता है अम्ब्रेला मैन की हार से डरकर टिम्बकटू कहीं भाग गया। वैसे भी वो किसी काम का नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। बॉस बॉस, क्या हो रहा है बॉस? बचाओ, बचाओ बॉस, बचाओ! टिम्बकटू, ये क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बॉस, ये मैं क्या बन गया? मुझे क्या हो गया बॉस? बॉस, ये तो लिज़र्ड मैन बन गया। मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। गलती से ही सही, लेकिन मुझसे ऐसी चीज बन गई है जो शायद डॉक्टर प्रेम सहाय भी नहीं बना सकता। जाओ और वीर को खत्म करके आओ, और डॉक्टर प्रेम सहाय को दिखा दो कि मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अब जाओ। बॉस, बॉस प्लीज, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। वीर से मैं कैसे लड़ूंगा बॉस? वो बहुत शक्तिशाली है। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर तमाम सुपर पावर्स हैं। तुम्हारी जीभ ही खुद एक हथियार है। क्या? जीभ भी हथियार है? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वक्त छोड़ो मुझे। टिम्बकटू,
जा और फुर्सतगंज में ऐसा तहलका मचाओ कि वहां के लोग वीर को कभी उनका रक्षक नहीं समझे। बॉस, थैंक यू बॉस। आज तक वीर ने मेरी बहुत धुलाई की है, लेकिन आज मैं उसकी धुलाई करूंगा। झुलबुल, तुम झूला झूलो, मैं जरा चाट खा के आता हूँ। अरे जिंटू रुक जाओ, मैं इस सीसो में अकेले कैसे झूलूंगा। जिंटू रुको, मैं भी आता हूँ, मुझे गाजर खाने हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। छोड़ दो मुझे। चुकाता हूँ। समझना कि तुम जीत गए वीर, मैं वापस आऊंगा और अपनी इस हार का बदला जरूर लूंगा।
Thank you.